भद्रवा में 27 अप्रैल को छात्रों को डोडा जिले के विभिन्न इलाकों से भर्ती कराया गया, जो कि ZSSRB द्वारा आयोजित स्नातक स्तर की परीक्षा में भाग लेने के लिए निरंतर सड़क अवरोधों की वजह से अजीब स्थिति होने के बाद भद्रवा पहुंचे। उन्होंने भद्रवा में एक मजबूत विरोध प्रदर्शन किया। नाराज उम्मीदवारों ने बताया कि बिना किसी कारण के अधिकारियों ने बार बार अनुरोधों के बावजूद उन्हें प्रश्न पत्रों से नकार दिया। उन्होंने कहा कि परीक्षा शुरू करने के लिए शेड्यूल समय से आधे घंटे से अधिक समय बाद कुछ ऑफिसर्स ने उन्हें बताया कि उनके केंद्र को किश्तवाड़ में स्थानांतरित कर दिया गया है, ताकि अधिकारियों ने उन्हें आंदोलन मार्ग चुनने के लिए मजबूर किया हो। गुस्सा उम्मीदवार बाद में सड़कों पर चले गए और चिता अधिकारियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि JKSSRB ने उम्मीदवारों को निर्देश जारी किए थे कि अगर वह उनसे आवंटित परीक्षा केंद्र तक नहीं पहुंच पाती तो वे जिले के परीक्षा केंद्र में उपस्थित हो सकते हैं और उन्हें परीक्षा में बैठने की इजाज़त नहीं दे सकते। उन्होंने यह सवाल उठाया कि प्रश्न पत्र को भी लीक कर दिया गया था और गड़बड़ी के निर्माण में शामिल दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई के बगल में कहा परीक्षा रद्द करने की मांग की गई थी। किश्तवाड़ से करीब 500 नौकरी चाहने वालों ने इस परीक्षण में भाग लेने के लिए किश्तवाड़ से डोडा जिले के भद्रवा शहर पहुंचे थे। निकाल ये थी स्टाफ को कि कुछ सेंटर्स में पेपर नहीं दिया जाएगा, इवन कि बाकी सेंटर्स में पेपर चल रहा है। जब तक ना SSB की टीम आ जाएगी पेपर नहीं दिया जाएगा। SSB की टीम की प्रेजेंस में आपको पेपर दिया जाएगा कि भद्रवा में जो बाकी सेंटर्स बने हैं, चाहे यूनिवर्सिटी में है, कॉलेज में, वहाँ पे पेपर जो है पीसफुली हो रहा था। लेकिन इवन कि हम SSB को, जो चोर SSB है और जो चेयरमैन वो चोर है और वो यूथ का खून पीना चाहती है। जब SSB को पैसे की जरूरत होती है तो वो बेरोजगार यूथ को 400 का फॉर्म लेती है और इवन कि वो एग्जाम साल में या दो साल में होता है और वो डिसमिस हो जाता है। बर्खास्त किया जाए। ऐसा नहीं हुआ। जो चिनाब वैली की यूथ है वो SSB चेयरमैन के ऑफिस में जाएगी।